सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर सैमसंग ने अपने बजट कैटेगरी में अपना एक स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है और ये स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A10s। अब सैमसंग गैलेक्सी A10 का ये सक्सेसर बन के आया है, लेकिन कुछ मामलों में सैमसंग के एटलीस्ट काम करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि सेम स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, कुछ चेंजेस किए हैं, डुअल कैमरा आप लोगों को दिया है, इस बार आपको फिंगरप्रिंट का भी सेंसर बैक साइड में देखने को मिल जाएगा, लेकिन डिस्प्ले वो तो सेम ही रहेगा ना। तो सैमसंग गैलेक्सी A10s में आप लोगों को मिलने वाला है 6.2 इंचेस का एक HD+TFT डिस्प्ले। तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे थे कि शायद आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग प्रोवाइड करे, जो कि सैमसंग यहाँ पर आप लोगों को नहीं दे रहा है। इस फोन में आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का हेलियो P22 वाला चिपसेट, जो चिपसेट को आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है रियलमी के C2 में। तो चिपसेट मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि C2 की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमाल का है। आप हैवी गेम्स भी PUBG वगैरह स्मूथ सेटिंग में आराम से खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सैमसंग यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया और चिपसेट में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन का सक्सेसर लॉन्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने प्रोसेसर में ध्यान दिया कीजिए, जो कि सैमसंग ने दिया है और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा किया भी है। बैक साइड में इस बार आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी A10 में आपको सिंगल कैमरा का ही सेटअप मिल रहा था, तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, वो आपको डेप्थ क्रिएट करने के लिए दिया गया है। 10,000 के नीचे आप कैमरा के डिपार्टमेंट से उतना उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन आज के टाइम में यार 10,000 के नीचे भी ना एक से बढ़कर एक अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल है, ये आप लोग जानते ही हैं। और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। सैमसंग का वन UI मिलेगा और एंड्रॉयड का आपको आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर 9 देखने को मिलने वाला है। बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा और 3.5 mm आपको ऑडियो जग भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। 4000 mAh की बैटरी मिलेगा और आपको एक्सटेंडेड चार्जर मिलने वाला है। आप 10,000 के नीचे नहीं बोल सकते कि आपको फास्ट चार्जर यहाँ पर सैमसंग प्रोवाइड करे। ओवरऑल ठीक है, फ़ोन में आपको 4 कलर ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे कलर चाहिए तो आप एक रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लैक है और एक ब्लू भी है शायद, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल फ़ोन 10,000 के नीचे मेरे ख्याल सैमसंग को देखते हुए और ऑफलाइन मार्केट को देखते हुए अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगा ख़राब है, अच्छा है। क्योंकि देखिए अभी भी रियलमी का जो C2 है वो आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन मिलता है। Xiaomi के भी कुछ स्मार्टफोन है जो कि इस प्राइस कैटेगरी में, वो भी सिर्फ आप लोगों को ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन में कोई भी नहीं मिलता। और जो वीवो और ओप्पो का जो ऑफलाइन में आता है वो उतना अच्छा होता भी नहीं है। तो सैमसंग कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन हाँ डिस्प्ले एटलीस्ट सुपर एमोलेड देते ना तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर हो सकता था। फ़ोन की जो प्राइसिंग है अभी तक रिवील नहीं किया गया है, जब इसे लिस्टेड कर दिया जाएगा इंडियन के ऑफिशियल वेबसाइट में तब प्राइसिंग भी निकल के सामने आ जाएगा। ओवरऑल मेरे ख्याल से फ़ोन ठीक ठाक रहेगा और 10,000 के नीचे मतलब चल जाएगा उतना आप ज़्यादा, क्योंकि 10,000 के नीचे आप सोच भी नहीं सकते कि आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दे दे। ओवरऑल ठीक है, मैं यही बोलता हूँ कि एटलीस्ट अगर फुल HD+ का डिस्प्ले ना दे सके तो अगर वो लोग सुपर एमोलेड डिस्प्ले देते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो सकता था, बस मेरा यही एक मानना है। अब आप लोगों का क्या रहा है, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे वहाँ भी पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।